पलपले जो उठ रहे हैं, ये तो इस मनसे में पावर पे रहता है ये कि इस वक्त इस तरीके की रहनुमाई के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप, अभी पूरी कोशिश, ये देखिए सिलेंडर फूला हुआ है। इस गरीब आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम जो चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं हमारे इधर खड़े हैं, ये सभी पैसा इकट्ठा करके इसकी मदद करें। और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे मेरी का अपील रहेगी कि अगर कोई कंपनसेशन का कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए ताकि जो अपने बाल बच्चों को पाल सके और अपना गुजारा। क्या कहेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्वक है, गरीब ने अशियाना बनाया था अपना रोजी रोटी के लिए। देखिए एक ये बहुत ही गरीब आदमी व्यक्ति था, इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से अपना ये खोखा जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे जितना भी अभी रिसेंटली इसने फ्रिज वगैरह भी लाया था और बहुत सारा नुकसान जो है इसका हो चुका है, लेकिन इसके पास और भी कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है। तो लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश रहेगी कि अगर कुछ भी कंपनसेट कर सकते हैं किसी तरीके से भी, कोई रेड क्रॉस का या कोई अपने पास पैसा अगर पड़ा हो तो वो इसको कंपनसेट करें ताकि ये जो है आगे का जमीन जो निकाल सके। फिर भी हम बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए हम चंदा जो इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी पैसे हम इकट्ठे करेंगे और इसकी मदद करेंगे। ये हमने जैसे ही आग लगी उसके तुरंत बाद हमने ये प्रोसीजर शुरू कर दिया था और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका नुकसान जितना हुआ है उतनी हम भरपाई इसकी पूरी कर पाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है, क्योंकि एक गरीब का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, सच्ची मरण थी उसमें हजारों का नुकसान था। साथ में आप देखेंगे इसकी तस्वीरें कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है जिसमें किसी गरीब ने अपनी अपना खाना बनाया था। धन्यवाद जो कि लगातार जो है डिपार्टमेंट सर जब मारी फायर के अंदर मिशारा से आई, दो मिनट में हमने राजल मोड़ तक पहुंचे, वहां राजल से लेकर सियोट तक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। हमें फायर टेंडर को जहां तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगा। ये जो इलेक्शन की ड्यूटी आए हुए थे जो कर्मचारी, उनकी वजह से जो हमारी गाड़ी आधा घंटा राजल मोड़ में फंसी रही, उसके कारण फिर भी हम यहां टाइम पर पहुंचे और हमने यहां जानी माल का कोई नुकसान नहीं होने दिया। दो सिलेंडर थे वो निकाल दिए फायर। आग सर अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, इसका हमें कोई पता नहीं। अभी सिलेंडर नहीं ब्लास्ट होने दिया, क्या कुछ हो सकता है इस आग से बहुत बड़ा नुकसान। इनका अभी सर कोई पता नहीं, हम अपना जैसे ही वहाँ स्पॉट पे पहुँचे हम अपना कार्रवाई पे लग गए। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरीके से यहाँ पर रसीदार का सामान क्या था दुकान के अंदर? कंकड़ था, फ्रिज था और अपनी दुकान का सामान था। किस तरीके से कोई आग लगी, कोई आग लगी कैसे है? कोई पता नहीं, मैं घर पे था, धूप फोन आया मैं तो। दुकान बंद थी? दुकान बंद थी। सिलेंडर थे? हाँ सिलेंडर था, दो सिलेंडर थे, छोटे वाला था एक बड़े वाला। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान होगा लगभग आपके आइडिया से? फ्रिज है, कूलर है अपना, दो ढाई लाख का, नॉर्मल है। एक छोटा सा खोखा एक शख्स लाता था जिसके जिसको नुकसान हुआ इस वक्त। तो आप सीधी ये लाइव तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ही देर